मकराना, श्री राम ने सारथी बनकर मुरावतिया को दिलाई विजय श्री। नागौर, मकराना। विधानसभा चुनाव 2018 के चुनावी रण में मकराना के विधायक रहे श्री राम भींचर ने सारथी बनकर रूपाराम मुरावतिया को विजय श्री दिलवाई, जिससे लगातार दूसरी बार भी भाजपा ने जीत हासिल की। मुरावतिया के विजय होने के पश्चात मकराना लौटने पर मकराना विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही ग्रामीण जनों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। विधायक मुरावतिया रानी गांव, मनाना, कालवा, बोरावड़ होते हुए हजारों समर्थकों के साथ विजय जुलूस के रूप में बोरावड़ रोड स्थित शिवा मार्बल पहुंचे, जहां पर विजय जुलूस एकता सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्रीराम भींचर ने कहा कि भाजपा की जीत में कार्यकर्ताओं व युवा शक्ति का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों द्वारा भाजपा के पिछले कार्यकाल को देखते हुए इस बार भी विजय श्री दिलवाई है, उसके लिए वह हमेशा सभी के आभारी रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक मुरावतिया ने कहा कि जो विश्वास आप लोगों ने भाजपा और मुझ पर किया है, मैं उस विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं व मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। सभा को नारायण सिंह मिंटकिया, उप प्रधान ओकार सिंह किरडोलिया, अमराराम साहू, प्रकाश भाकर, परसाराम किरडोलिया, बिरमाराम चौधरी ने भी संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद थे। मकराना से जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप जैसे कार्यकर्ता आप
है उसका जीतना निश्चित है, हार उसके नजदीक नहीं है। दोस्तों ज्यादा पल गया, अब मैं सीमा में हूँ, मर्यादा में हूँ, संविधान में हूँ। आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान इज्जत दी है, आप लोगों ने जो मुझे संवैधानिक तरीके से प्रजातंत्र में विधायक जिताया है, इसकी मैं आग मान शान की रक्षा करूंगा। कोई मरी का लाल ये नहीं कह सकता एक ऐसे आदमी को जिताया जिसने मकराना में अशांति फैलाने की कोशिश की। आपको कोई नहीं कह पाएगा। मैं मुझे गर्व है कि मैं जाट हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं तेजा की सम्मान हूँ, मैं तेजा की संतान हूँ। तेजा जी ने कभी अपना नहीं अंक नहीं लिया। मैं वचन देता हूँ कि जो वादा करूंगा पूरा करूंगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं दूसरों के लिए हमारी जाति के अलावा 36 लोगों की मान सम्मान और सुख दुख में काम आऊंगा। कोई जाति ये नहीं मान ले। आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो फिर मैंने 20 साल से कहा यही कह रहा हूँ, प्रजातंत्र है मेरे दोस्त, प्रजातंत्र यही कहता है। मैंने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद में, हम जीतने के बाद में मकराने में भाईचारा और शांति रखेंगे। भाईचारा और शांति कैसे रहा जाता है? प्रेम से, अपनापन से। और फिर प्रेम और अपनापन जब कमजोर पड़ जाता है तो कानून है, संविधान है, हम सबको अधिकार, हम सबको कानून हाथ में नहीं लेना है। याद रखो, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, अमर जी जैसे मुझे जवान और जज्बाती और गर्म खून के जिताकर आप मुझसे अलग मत हो जाना। मैं वादा करता हूं, ये होता क्या प्रजातंत्र में, मुझसे 20 गलतियां भी हो सकती है, आपसे मैं हो सकता है कई बार नाम नहीं जानो, पहचान नहीं, हो सकता आपके काम में मैं टाइम पर नहीं आऊं, लेकिन आप मुझे, हम लोगों को 5 साल तक यूं ही ताकत बनी रहे आपकी, यूं ही हमारा सहयोग कीजिए, यूं ही अपनापन से प्रेम से। आपको गलती हो जावे, देखो जैसे भाई श्री राम जी ने कहा, आपकी ताकत बनी रहे, इस बात के लिए मैं वादा करता हूँ, आपके जोश और ताकत में कभी कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा मेरे साहब। और भाई ये अमर जी है, ओकार जी है, परसा जी, आपको ये वादा करना पड़ेगा, मैं आपकी ताकत को, मान सम्मान को और प्रदेश कौन के इज्जत को कभी कम नहीं आने दूंगा, लेकिन वादा ये है वो कि आपको समझ से धीरज से काम लेना होगा, अपनी ताकत को इकट्ठी करके रखना होगा, जब तक ताकत की जरूरत नहीं बेवजह ताकत को खर्च नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये ऐसी चीजों को याद रखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपका भविष्य उज्जवल है। और फिर मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात जो आपका मैंने काम देखा, कार्य देखा, ये चुनाव इस तरह लड़ा गया भाई, और जैसे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये प्लानिंग ना आपकी थी, ना मेरी थी, ये प्लानिंग ना संसद थी, ये भगवान की थी, राणा बाई की थी, कर्मा बाई की थी, तेजा जी की थी, मीरा की थी, धन्ना की थी, मैंने ऐसे कभी देखा ही नहीं। शाम को 6 तारीख को चुप, मैं भी सक्रिय कार्य करता हूँ, और मैं विधायक नहीं बनकर, मैं मान सम्मान और दूसरी कोई लालच में आके काम नहीं करूंगा,